भुवनेश्वर के बीजेपी नगर सेवा केंद्र में पावर ऑफ थॉट विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के मंजू ने कहा कि मैं अपने विचारों का स्वामी और शासक हूँ। अगर मैं सकारात्मक विचार रखता हूँ तो मेरी भावनाएं सकारात्मक होंगी। इसके अलावा उन्होंने विचारों को कर्म का बीज बताया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बी के तपस्विनी समेत बी के रेणुबाला, बी के अपर्णा भी मौजूद रहे। शिरडी के पास कोपर गांव में आत्मा मालिक कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज रेडियो मधुबन की ओर से गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके ओपन राउंड में 60 से 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कोपर गांव सेवा केंद्र की संचालिका बी के सरला दीदी और विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष नंद कुमार सूर्यवंशी और बी के तुकाराम भाई मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आरजे रमेश ने करते हुए विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इंदौर में राम राज्य संस्था की ओर से चल रहे प्रवचन कार्यक्रम में स्वामी रामदयाल महाराज ने इंदौर पश्चिम क्षेत्र की प्रभारी बी के शशि का सम्मान चील्ड और तुलसी का पौधा देकर किया। वहीं बी के शशि दीदी ने स्वामी रामदयाल महाराज को निराकार परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह देते हुए मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ब्रह्मा कुमारी का नव निर्मित ग्लोबल पीस हॉल शहरवासियों का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करेगा। ये बात ब्रह्मा कुमारी के त्रिमूर्ति भवन में पधारे राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद प्रचार समिति के अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने कही। आपने सभी से कहा कि ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर आबू रोड में सभी को एक बार जरूर आना चाहिए। इस दौरान सेवा केंद्र संचालिका बी के पुष्पा, इंदौर से पधारे धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बी के नारायण भाई और बी के प्रिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के वसे स्थित पॉलीकेम कंपनी में ब्रह्मा कुमारीज वसे सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय राज्योग शिविर लगाया गया, जिसमें कंपनी के 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। पॉलीकेम के संचालक भावेश जी और अल्पा जी ने शिविर के लिए भरपूर सहयोग दिया। इस शिविर में वसे तालुका केंद्र की संचालिका प्रफुल्ला बहन ने सभी प्रतिभागियों को तनाव मुक्त रहने के कारगर उपाय बताए और वसे सेवा केंद्र प्रभारी बी के भारती ने शिविर का संचालन किया। एमपी की विदिशा में मुखर्जी नगर सेवा केंद्र द्वारा भारत के गौरव शिक्षक विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सोनी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री बलवीर सिंह तोमर, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित विजय कुमार श्रीवास्तव समेत कई सम्मानित लोगों का बी के रेखा और बी के रुक्मणी द्वारा पटका, फूल और श्रीफल से स्वागत व सम्मान किया गया। मकर संक्रांति के चलते गंगा सागर किनारे काक द्वीप सेवा केंद्र की ओर से राज्योग शिविर लगाया गया और गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया। इस मौके पर सभी को पर्चे बांटकर ईश्वरी परिचय दिया और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में डूबकर आत्मा को पावन बनाने का तरीका बताया गया। यह पूरा कार्यक्रम बी के सुप्रिया समेत कई बी के सदस्यों के सहयोग से सफल रहा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन ब्रह्मा बाबा की याद में सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलिए देखिए उनकी झलकियां। छत्तीसगढ़ नवापारा राजिम में इंदौर से पधारे धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार नारायण भाई ने कहा कि जैसे परमात्मा के गुणों को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में उतारा, वैसे हम सबको भी अपना जीवन बनाना चाहिए। इस अवसर पर मुंबई से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी ने कहा कि जितना हमारी मनसा पवित्र विचार वाली होगी, उतना ही हमारे अंदर शांति का गुण आएगा। सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन ने सभी को धन्यवाद दिया। रायपुर में विश्व शांति दिवस पर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने कहा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा के मार्ग पर चलकर समाज को एक नई दिशा दी। अब खबरें राजस्थान से। राजस्थान के भरतपुर में विश्व शांति भवन में स्मृति दिवस पर मुख्य अतिथि आईएएस निधि ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी, जिला प्रभारी भरतपुर शोभा भारद्वाज,
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत कई लोग मौजूद रहे और ब्रह्मा बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जोधपुर में नवनिर्मित सेवा केंद्र शिव वरदानी भवन में अव्यक्त दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने उपस्थित होकर योग और तपस्या की। इस अवसर पर चार धाम और सेवा केंद्रों को फूलों से सजाया गया। अब खबरें झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग के मुख्य सेवा केंद्र में स्मृति दिवस मनाया गया। हजारीबाग की विधायक अम्बा प्रसाद, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर अभय कुमार गुप्ता, प्रमुख समाज सेवी समेत अनेकों ने बाबा को श्रद्धांजलि दी। वहीं झारखंड के गुमला में पुण्य स्मृति दिवस के पावन अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक मोहम्मद वसीम अहमद और वरिष्ठ अतिथि जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश ओम प्रकाश पांडे समेत कई लोगों ने ब्रह्मा बाबा को पुष्पांजलि अर्पित की। रांची के हारमू रोड सेंटर पर स्मृति दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुजारी ध्यानानंद पांडे, ज्योतिषी पवन मिश्रा, सेंटर इंचार्ज बी के निर्मला समेत अनेकों ने ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी का वर्णन किया। कुछ खबरें ओडिशा से। ओडिशा के भुवनेश्वर भवानी पटना दिव्य शक्ति भवन में वर्ल्ड पीस डे पर बाबा की स्मृति में कैंडल लाइटिंग की गई और सभी ने ध्यान किया। कार्यक्रम में कालाहांडी यूनिवर्सिटी के पीताम्बर भाई ने बाबा को श्रद्धांजलि दी। सेंटर इंचार्ज बी के शशि ने सभी को बाबा की स्मृति दिलाई। ओडिशा के बेरहमपुर प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में भी गूंजी बाबा की स्मृति। 300 भाई बहनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बाबा की कुटिया का शुभारंभ किया गया तो मंजू दीदी और माला दीदी ने मौन भट्टी कराई। दूसरी ओर भुवनेश्वर यूनिट 8 में वर्ल्ड पीस डे पर दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में सेंटर प्रभारी बी के दुर्गेश नंदनी समेत कई सारे बी के सदस्य मौजूद रहे। अब खबरें गुजरात से। गुजरात के राजकोट पंचशील में भी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिन पर कार्यक्रम किया गया। गुजरात जोन इंचार्ज भारती दीदी ने सभी को ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव सुनाए। साथ में शांति स्तंभ के पास ब्रह्मा बाबा को पुष्पांजलि अर्पण की गई। ब्रह्मा कुमारी राजनगर राजकोट में भी स्मृति दिवस पर पूरे सेंटर को विशेष फूलों से सजाया गया और बाबा की यादों को ताजा किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के गीता बहन समेत ब्रह्मा कुमारी सदस्य मौजूद रहे। खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के वाराणसी की डिवाइन संस्कार शाला में भी योग साधना का कार्यक्रम रखा गया। ये संस्कार शाला ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कार भूमि के पास स्थित है। इस मौके पर ब्रह्मा बाबा के जीवन पर बनी वीडियो भी सभी बच्चों को दिखाई गई और बच्चों को ब्रह्मा बाबा की तरह अपना जीवन लोक कल्याण में लगाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं यूपी के हाथरस में शांति भवन आनंदपुरी कॉलोनी केंद्र पर भी राजयोग शिक्षिका बी के शांता ने बाबा के दिव्य कर्तव्यों को याद किया। इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक गोविंद जी भी शामिल हुए। बी के मीना, बी के दुर्गेश, बी के उमा समेत विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने बाबा को पुष्पांजलि अर्पित की। बात करते हैं अब मुंबई की। मुंबई के कल्याण के प्रभु मिलन भवन में बाबा के स्मृति दिवस पर 250 भाई बहनों ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां बाबा के कमरे में सूक्ष्म वतन का नजारा बनाया गया था। बाबा की याद में विशेष तपस्या का हुआ कार्यक्रम, जिसमें बी के अलका दीदी, कुसुम दीदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खबरें अब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के थाने में 18 जनवरी के मौके पर वेस्ट श्रीनगर में शांति यात्रा निकाली गई और लोगों को विश्व शांति का संदेश दिया गया। इस मौके पर बी के रेखा दीदी, बी के बिंदिया, बी के सीता, बी के मनीषा, बी के मुकेश समेत अन्य लोग शामिल रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।